अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़हूर अहमद है। आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेला शुरू हो चुका है इंडिया में 5 अक्टूबर से। पाकिस्तान ने कल अपना पहला मैच खेला नीदरलैंड के खिलाफ। मैच तो पाकिस्तान जीत गया 81 रन से, अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए। मगर यहीं पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ गलतियाँ कुछ कोताहियाँ हुई पाकिस्तान की तरफ से, एज ऑलवेज इनको भी हाईलाइट करेंगे। पहले तो देखें, टॉस जीता नीदरलैंड ने। यहाँ पर इंडिया में जो भी टीम टॉस जीतती है समझें वो 50% मैच जीती है, क्योंकि बैटिंग पिचेज हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच और हेल्पफुल हो जाती है बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है विकेट लेना। इसीलिए नीदरलैंड ने भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने ओपन की, पाकिस्तान के लिए फ़खर और इमामुल हक ने ओपन किया, जैसा कि उम्मीदें थी फ़खर जमान से कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे, मगर वो आज भी नहीं चल सके। वर्ल्ड कप बड़े अरसे से देखा जा रहा है कि फ़खर फॉर्म में नहीं है, इमामुल हक भी कोई अच्छी टच में नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के लिए जितवाएँ भी हैं कुछ बायलेटरल सीरीज़, मगर फ़खर की बात करें तो वो आज भी नहीं चल सके। उसके बाद बाबर से उम्मीदें थी, बड़ी तवक्कुआत थी कि बाबर परफॉर्म करेगा। बाबर ने भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, 5 स्कोर बनाए उन्होंने भी, वो भी आउट हो गए। जब 3 विकेट हमारे 30 रन के अंदर ही गिर चुकी थी, तो फिर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी बैटिंग को सहारा दिया और 100 प्लस की पार्टनरशिप की, तो स्कोर हमारा अच्छा खासा बन गया। उसके बाद फिर इफ्तखार आए, वो भी नहीं चल सके। उसके बाद नवाज़ और शादाब की एक मिनी पार्टनरशिप बनी, कुछ रन्स टेल एंडर्स ने बनाए। इसी तरह पाकिस्तान 286 रन्स बना सका, यह भी एक अच्छा खासा टोटल था। क्योंकि देखा जाए कि पिछले जितने भी मैचेस हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, जब 275 या 275 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं तो कोई भी टीम उसको चेस नहीं कर सकी है। पाकिस्तान ने उसे सक्सेसफुली डिफेंड किया है, 275 या 275 से ज़्यादा रन्स जब भी पाकिस्तान ने बनाए और उसे डिफेंड किया है तो पाकिस्तान ने 12 में से 12 मैचेस जीते हैं, यानी सक्सेस रेशो जो है वो 100% था और वो आज भी कायम रहा, यानी 13 में से 13 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। जब बॉलिंग की बारी आई, 286 रन्स डिफेंड करने थे, फिर चला के बैटिंग थी, थोड़ा मुश्किल भी था, मगर जैसा कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है बॉलिंग, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो बॉलर्स ने आकर अपना काम किया। मगर शाहीन अफरीदी से उम्मीदें थी कि वो शुरुआती ओवर्स में विकेट लेने के लिए मशहूर हैं, मगर वो शुरुआती ओवर्स में विकेट ना ले सके। इसी तरह हसन अली आए, हसन अली ने एक विकेट ली। हसन अली अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई, उनकी पेस थोड़ी कम हुई है मगर उनकी लेंथ और लाइन इम्प्रूव हुई है, यह भी एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, हमारे लिए। उसके बाद स्पिनर्स को लगाया, स्पिनर्स के भी बड़ी परेशानी थी, बड़ा मसला था कि वो भी मिडल ओवर्स में हमें विकेट नहीं दिलवा सक रहे थे। पिछले कुछ बायलैटरल सीरीज़ में या एशिया कप में देखें, जहाँ पर शादाब की बात करें, नवाज़ की बात करें, तो आज नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की, एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल विकेट ली और शादाब के हिस्से में एक विकेट आई। इफ्तखार जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, बाबर उसको लाया, उसने भी पहले ही बॉल पर विकेट ली, वर्ल्ड कप में जो उन्होंने पहला बॉल करवाया उस पर विकेट ली, उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो इसी तरह विकटें गिरती गई और इकोनॉमिकल बॉलिंग तो पाकिस्तान की तरफ से जारी थी, जो भी आ रहा था, चाहे वो फ़खर हो, शाहीन हो, हारिस हो या स्पिनर्स हो, नवाज़, शादाब, अच्छी बॉलिंग रही। पाकिस्तान 81 रन से ये मैच जीता, अच्छा खासा मार्जिन है देखा जाए तो। नेट रन रेट इम्प्रूव हुआ, +1.60 प्लस है पाकिस्तान का नेट रन रेट इस वक्त। ये जो वीडियो है मैं मैच के बाद बना रहा हूँ, आप देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो पाकिस्तान ने मैच कामयाबी से जीता। कई लोग सवाल उठा रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी पर कि बाबर आजम की कैप्टनसी में गलतियां हैं, ये हैं, वो हैं। भाई ज़रा हौला हाथ रखें, पहला मैच है वर्ल्ड कप का, अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तानी मैच नंबर 1 हुई है। असल में मसला क्या है ना कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए हैं कि हम जो भी करें ना हम वो नहीं मानेंगे। हालाँकि गोरी चमड़ी वाले लोग हमारे प्लेयर्स की तारीफ़ करते हैं, बाबर आजम हो, शाहीन आफरीदी हो, वो नंबर 1 बने हुए हैं, ठीक है ना।
मगर हमारे पाकिस्तानी कभी खुश नहीं होते। नाशुक्री भी एक चीज़ है जो हमारे माशरे में है कि हम कभी खुश नहीं होते, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर मिले उसके जाने के बाद ही कदर होती है। जैसे कि मोहम्मद आमिर की बात करें, हर कोई चिल्ला रहा था सिलेक्शन के वक्त कि आमिर को लाओ, आमिर को लाओ वापस। हालांकि आमिर की वापसी अब शायद मुमकिन ना हो, मगर टीम अच्छी है। नसीम शाह की इंजरी थी, उसकी जगह हसन अली आया है। नसीम शाह, ये एक बड़ा धचका लगा पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तान को कि नसीम शाह को मिस करेंगे, बाबर आजम ने भी कहा। और हसन अली आया है, हसन अली अच्छी बॉलिंग करवा रहा है इकोनॉमिकल लेंथ और लाइन से। उम्मीद करते हैं कि हसन अली वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तानी टीम के लिए। तो मगर हमारे मेन कंसर्न जो बैटिंग में रहा है वो है टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर की बात करें जहाँ पर ओपनर्स हैं जिसमें फ़खर जमान और इमामुल हक हैं। इमामुल हक तो सॉलिड प्लेयर हैं, जिसे वाल भी कहा जाता है, दीवार कहा जाता है। वो टाइम लेते हैं, रना बॉल खेलते हैं, ठीक है, ओडीआई में ऐसा ही खेला जाता है। मगर फ़खर जमान की बात करें वो एग्रेसिव भी खेलते हैं, मगर आजकल वो थोड़ा टच में नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है, वो नहीं चल रहे हैं। तो एक और प्लेयर है पाकिस्तानी डगआउट में, पाकिस्तानी बेंच में, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को अगर चांस दिया जाए तो वो जो है पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्निक है, स्किल्स है। हम देख भी चुके हैं, उसने मैच जितवाए भी हैं, सेंचुरीज भी स्कोर किए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक इस वक्त जो हैं वो फ़खर को रिप्लेस कर सकते हैं पाकिस्तान के अगले मैच में, जो कि पाकिस्तान का अगला मैच है श्रीलंका के खिलाफ, 10 तारीख को है, बुध को नेक्स्ट वीक पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा वर्ल्ड कप में। वो मैच भी हैदराबाद में इसी पिच पर है। उसके बाद 14 अक्टूबर सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा, इसके लिए भी तैयारी करनी है। जो कमियां पेशी इस मैच में हुई नीदरलैंड के खिलाफ वो श्रीलंका के खिलाफ ना हो। उम्मीद करते हैं हमारा टॉप ऑर्डर चलेगा। मिडल ऑर्डर तो हमारा जिसमें रिजवान है, सऊद शकील है, इफ्तखार है, वो फिर भी चल जाता है, अच्छी फॉर्म में है, मगर टॉप ऑर्डर हमारे लिए परेशानी है। और स्पिनर्स भी अभी वापसी कर रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। यहीं पर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर भी इंशाल्लाह इंप्रूव करेगा। टीम अच्छी है इंशाल्लाह, सेमीफाइनल लिस्ट तो है, प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से सीनियर्स। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल तक जा सकती है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं रहीं, कौम की दुआएं रहीं, तो लड़के अच्छे खेले तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीत सकते हैं। यह था मेरा रिव्यू पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड वर्ल्ड कप 2023 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।